अस्सलाम वालेकुम। आवर टुडेज टॉपिक इज स्फेरिकल मिरर्स। हम डिटेल में आज पढ़ेंगे कि व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स, उनकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद जो है वो हम डिस्कस करेंगे देयर टाइप्स, सेकेंडली थर्डली हम की टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, देन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द स्फेरिकल मिरर्स, एंड लास्ट में वी विल डिस्कस एन एक्टिविटी टू शो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द स्फेरिकल मिरर्स। सो लेट्स डिफाइन द स्फेरिकल मिरर्स। यहाँ पर स्फेरिकल मिरर्स को हम इसकी सारी डिस्कशन जो है वो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम करेंगे। ये डायग्राम है आपके सामने। फर्स्ट टू लाइंस रिप्रेजेंट्स द डेफिनेशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर्स। इसमें आपके पास यहाँ पर अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो आपको डेफिनेशन अंडरस्टैंड करने में इजी होगा। तो आप इसको डिफाइन इस तरह से करते हो कि स्फेरिकल मिरर्स आर द पार्ट ऑफ अ होलो स्फीयर। ये एक कंप्लीट होलो स्फीयर है, इसका कुछ पार्ट हम जो है वो लेते हैं। ये जैसे ब्लैक में जो मार्क है यहाँ पर और इस स्फीयर में से भी जो ब्लैक मार्क है, दिस पार्ट ऑफ द होलो स्फीयर इज नोन एज द मिरर, ठीक है, स्फेरिकल मिरर। और ये जो आपके पास ब्लैक में मार्क पार्ट है, इट इज हाईली पॉलिश एंड रिफ्लेक्टिंग सर्फेस। और ये दोनों सर्फेसेस जो हैं ये पार्ट ऑफ स्फीयर होती हैं, दैट्स व्हाई हम इनको जो है वो स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। इनके अंदर जो है आपके पास स्फेरिकल मिरर्स के अंदर एक साइड इनकी कम्प्लीटली ओपेक होती है और एक साइड को हम पॉलिश करते हैं। और एक साइड को ओपेक यानी कि नॉन रिफ्लेक्टिंग इसलिए रखते हैं ताकि हमारा जो है वो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हम कम्प्लीटली स्टडी कर सकें। तो एक ही साइड इसकी हाईली पॉलिश होती है जहाँ से रिफ्लेक्शन होती है आपके पास। और जो आप यहाँ पर कोटिंग करते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कर्व सर्फेसेस आर कोटेड विद द थिन लेयर ऑफ सिल्वर। पहले से थिन लेयर ऑफ सिल्वर के साथ आप उनकी सर्फेसेस को कोट करते हैं, उसके बाद रेड लेड ऑक्साइड पेंट जो है उसके हिसाब से करते हैं ताकि वो कम्प्लीटली जो है वो आपके मिरर की जो कंडीशन है उसमें आ सके। तो स्फेरिकल मिरर्स की जो वन साइड होती है वो ओपेक रखते हैं, अदर को हम हाईली रिफ्लेक्टिंग सर्फेस बनाते हैं ताकि प्रॉपर रिफ्लेक्शन हो सके। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द स्फेरिकल मिरर्स, वन इज कनकेव, अदर इज कन्वेक्स मिरर। कनकेव में ये जो वर्ड है केव, आपको पता है केव्स जो होते हैं, गार जो होते हैं वो माउंटेन्स के अंदर होते हैं और इन साइड जो है वो आप कह सकते हैं प्रेस्ड होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह आपके पास स्फेरिकल मिरर का आपके पास जो है स्फीयर का वो पार्ट जो इनर साइड पे प्रेस्ड हो, इनर उसकी जो साइड है वो अंदर को आपकी दबी हुई हो, दैट मिरर इज नोन एज कनकेव मिरर। और जो कन्वेक्स होता है, कन्वेक्स मीन बल्जिंग, आउटसाइड जो आपका उभरा हुआ होता है वो साइड आपकी जो होती है उसकी वो कन्वेक्स मिरर होता है। तो इस वजह से ये जो क्योंकि आउटसाइड बल्जिंग आउटसाइड होता है कन्वेक्स, इसलिए इसकी आउटर सर्फेस रिफ्लेक्टिंग होती है। कनकेव इनसाइड प्रेस्ड होता है इसलिए इसकी इनर सर्फेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग होती है। ये जिस तरह से मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द मिरर्स, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। आपका कनकेव जो होता है वो इनर सरफेस से रिफ्लेक्टिंग होता है और कन्वेक्स जो होता है वो आउटर से रिफ्लेक्टिंग होता है। और इसकी आउटर बल्जिंग आउटसाइड सरफेस होती है, वहां से हाथ में पकड़ते ही मिरर हमें पता चल जाता है कि कन्वेक्स है या कनकेव मिरर है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, एक हेडिंग आपको नजर आ रही होगी कनकेव मिरर की, जैसे मैं आपको फिगर की हेल्प से डिफाइन किया, बिल्कुल उसी तरह आपने इसको डिफाइन करना है कि स्फेरिकल मिरर हुज इनर कर्व सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग इज नोन एज कनकेव मिरर। और फिर इसके बाद आते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, मीन इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, किस तरह से ये बिहेव करती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कनकेव मिरर में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि इसका इमेज डिपेंड करता है ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि इस मिरर के सामने आपने ऑब्जेक्ट को किस पोजिशन पर कहाँ जाकर प्लेस किया है उसके ऊपर इसका इमेज डिपेंड करता है। सेकेंडली आपके पास रियल इमेजेस बनती हैं, जैसा होता है वैसा ही इमेज नजर आता है कनकेव मिरर से। और जहां तक कन्वेक्स की बात है, कन्वेक्स मिरर की आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है और इसी को हम यहाँ पर कोट करते हैं, आउटर सरफेस की रिफ्लेक्टिंग होती है। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये होते हैं कि आपके पास हमेशा कन्वेक्स में जो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो आपको अपने रियल साइज से छोटा नजर आता है और ये वर्चुअल बनाते हैं इमेजेस, मीन वो रियल नहीं होते और इरेक्ट मीन बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है आपके पास। और वर्चुअल मीन इन्वर्टेड होता है इमेज, कन्वेक्स के अंदर आपको इन्वर्टेड एंड इरेक्ट बिल्कुल सीधा इमेज नजर आता है, लेकिन कनकेव रियल इमेज दिखाता है, जैसा होता है बिल्कुल वैसे ही आपको नजर आता है। तो ये तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और डेफिनेशन है कनकेव की एंड कन्वेक्स की। फिर यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो आपको फिगर के अंदर भी नजर आ रही है जिनको हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले आपकी यहाँ पर जो टर्म है पोल,
इसको आपने देखना है कि व्हाट इज पोल, तो यहाँ पर पोल को कैपिटल पी के साथ हम मेंशन करते हैं। और आप ये देखिए कि इस जगह पे पोल को इन्होंने वर्डिंग में लिखा हुआ, ये कंकेव के अंदर सेंट्रल पोर्शन ऑफ द मिरर एंड कन्वेक्स के अंदर भी बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट पे आपको पोल जो है वो, तो सो पोल इज द मिड पॉइंट, बिल्कुल सेंट्रल पोर्शन ऑफ द मिरर या कर्व सर्फिस। ये कर्व सर्फिस है मिरर की कंकेव की और ये कर्व सर्फिस है आपके कन्वेक्स मिरर की। तो इनका जो बिल्कुल सेंटर पे ये जो पॉइंट है जहां मिड पॉइंट, बिल्कुल सेंट्रल पोर्शन जहां मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, दिस इज नोन एज पोल ऑफ कंकेव एंड कन्वेक्स मिरर। ये इसकी एक फर्स्ट टर्म है जो हमने पढ़ी है, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। इट इज ऑल्सो नोन एज वर्टेक्स, इस पोल को हम वर्टेक्स भी बोलते हैं। सेकेंड आपका आ जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेंशन हुआ है, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर भी है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ मेंशन है आपके पास। सो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, जैसे अभी मैंने आपको मेंशन भी किया। प्लस इसमें ये फर्क है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो स्फीयर के सेंट्रल पोर्शन को बोलते हैं। आपने अपने माइंड में याद रखना है कि पोल इज द सेंट्रल मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, दोनों मिरर का जो अपना मिड पॉइंट है उनकी कर्व सर्फिस के ऊपर, इट इज पोल। लेकिन जिस स्फीयर से आपने उनको अलग किया है उस स्फीयर का जो सेंट्रल पॉइंट होता है बिल्कुल सेंटर में, सेंटर ऑफ द स्फीयर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी स्टार्ट में हमने डिस्कस किया था कि हम स्फीयर से इन दोनों पार्ट्स को अलग करते हैं, स्फेरिकल मिरर को कंकेव की फॉर्म में या कन्वेक्स की फॉर्म में। अगर उसकी ये साइड बल्जिंग आउटवर्ड हो, बाहर की तरफ हो, तो कन्वेक्स उसे कंसिडर करते हैं। अगर स्फीयर इस इनर सर्फिस को, रिफ्लेक्टिंग सर्फिस को अगर हम देते हैं स्फीयर से, तो वो कंकेव होता है। सो दो टर्म्स हमने पढ़ी यहाँ पे, फर्स्ट इज पोल जो कि मिड पॉइंट ऑफ द मिरर होगा, एंड सी सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कि सेंट्रल पॉइंट ऑफ द यू कैन से स्फीयर, स्फीयर का सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ पर से मेंशन करेंगे। उसके बाद जो है वो आपके पास नेक्स्ट इसकी टर्म आएगी, यहाँ पर आप देखिए, इट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बेसिकली आपका स्फीयर का रेडियाई होता है। आपको पता है कि किसी भी सर्कल का रेडियाई हम ऑल साइड पे जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये एक पूरा सर्कल है, स्फीयर है, तो इसका इस तरफ हर डायमीटर पे रेडियाई बनता है, इस तरफ। तो दिस सेंट्रल पोर्शन टू दिस एरो, ये रेडियस है आपके पास। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, बेसिकली रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये एरो देखिए आप जहां पॉइंट कर रही हूँ, तो ये आपके पूरे स्फीयर का जो रेडियस होता है उसका अपना रेडियस, दैट रेडियस रिप्रेजेंट्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ अ स्फीयर, जहां से आपने कन्वेक्स और कंकेव मिरर लिए हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ हमने तीन टर्म्स कर ली, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हमने देखना है प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस के बारे में कि वो क्या होता है आपके पास। सो नेक्स्ट इज अ प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें इट इज द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। बहुत इजी और इंटरेस्टिंग है ये। आपने अभी देखा पोल कहाँ पे है, मिडल ऑफ द कर्व सर्फेस पे है, और आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो सेंटर ऑफ स्फीयर है, तो उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है इट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। ये डिस्टेंस सेंटर ऑफ स्फीयर दैट इज सेंटर ऑफ आपके पास कर्वेचर टू द पोल, ये दोनों जो डिस्टेंस है, ये जो छोटी लाइन है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, कर्व सर्फेस से यहाँ तक, और कन्वेक्स के केस में इस सेंट्रल पोर्शन से लेकर कर्व सर्फेस ऑफ द पोल तक, इस लाइन को, सीधी जो लाइन है सेंट्रल पोर्शन पे, इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम बात करेंगे फोकस की, कि आपके पास फोकस जो है वो कितने काइंड के होते हैं। क्लास आपके पास एक रियल फोकस होगा मिरर के केस में, और एक वर्चुअल होता है। जो रियल फोकस होता है दैट इज रेलेवेंट टू द कंकेव मिरर, रियल फोकस बनाते हैं हमारी कंकेव मिरर्स, और वर्चुअल फोकस हमारे बनाती है कन्वेक्स मिरर्स। इसको मैं आपको फिगर की हेल्प से समझाती हूँ ताकि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि रिफ्लेक्शन के बाद आपके कंकेव मिरर की जो लाइट रेज हैं वो पैरेलल होकर कहाँ फोकस होती हैं, उस फोकस को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। एंड आपकी जो कन्वेक्स में होती हैं रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज जो हैं वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, और जिस पॉइंट पे जाकर वो फोकस करती हैं बिहाइंड द मिरर दैट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेक्स। इसको फिगर से ज्यादा अच्छा समझ सकेंगे। आपके पास ये जो फोकस पॉइंट है ये कंकेव मिरर का है, ये देखें इनर सर्फिस रिफ्लेक्टिंग है,
अभी हम प्रिंसिपल फोकस की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इस फिगर को कंसिडर कर रही हूँ। और ये देखें, यहाँ पर आउटर सर्फेस रिफ्लेक्टिंग है, तो डेफिनेटली दिस इज कन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर इज एट दिस पॉइंट एफ, ये प्रिंसिपल फोकस है इसका, और कन्वेक्स के ऊपर प्रिंसिपल फोकस ये पॉइंट है। अब हम देखते हैं कि यहाँ हुआ क्या, रियल फोकस कैसे बनता है। रियल फोकस इज ऑलवेज बाय द कनकेव मिरर। आप देखो ये लाइट रेस है, एरोस आए, यहाँ पर इस तरफ पॉइंट कर रहे हो, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे रेज ने पॉइंट किया, ये सारी की सारी इनवर्ट जो है रेज। और फिर क्या होगा कि आपके पास बेसिकली कनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है, यानी कि वो आपकी रेज को एक एक सिंगल पॉइंट पर लाकर रिफ्लेक्ट बैक करवाता है। तो ये लाइट रेज अलग से यहाँ पे सरफेस पे स्ट्राइक की, लेकिन ये आकर वापस रिफ्लेक्ट बैक होगी इस पॉइंट पे, सेकेंड रे भी इसी पॉइंट पे आएगी, थर्ड भी इसी पॉइंट पे आएगी, फोर्थ भी इसी पे रिफ्लेक्ट बैक होगी, एंड ऑल दीज रिफ्लेक्टेड रेज आर फोकस्ड एट द सेंट्रल पोर्शन इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जो भी आपके पास जब मिरर की रेज रिफ्लेक्ट हो और बिल्कुल मिरर के सामने एक पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज मीन सारी इकट्ठी एक ही पॉइंट पे एंटर हो, तो दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस, और ये रियल फोकस होता है, दैट इज बाय द कनकेव मिरर। ये सिर्फ कनकेव मिरर के केस में होता है, क्योंकि इसकी सारी की सारी रेज इसकी फ्रंट सर्फेस जो इनर इसकी सर्फेस है उस पर स्ट्राइक करेंगी, वहां से रिफ्लेक्ट बैक होकर एक सिंगल पॉइंट पे आके कन्वर्ज, इसको कहते हैं कन्वर्जिंग का फिनोमिना, कि एक जगह पे आके इकट्ठी हो जाएंगी। तो दैट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर एंड ऑल्सो नोन एज रियल फोकस। अब कन्वेक्स के केस में क्या होता है, क्योंकि इसकी आउटर सर्फेस रिफ्लेक्टिंग होती है, तो जैसे ही आपकी ये रेज यहाँ आएंगी, ये रिफ्लेक्ट होगी इस डायरेक्शन में, सेकेंड किसी और में होगी, थर्ड किसी और डायरेक्शन में हो जाएगी, क्योंकि आउटर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये सारी डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक होंगी। दैट्स व्हाई कनकेव को हम डाइवर्जिंग कहते हैं, मतलब सारी इधर उधर बिखर जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी रेस कनकेव मिरर के केस में, स्पेशली मिरर। और फिर हम क्या करते हैं कि इसकी जो रिफ्लेक्टिंग रेज होती है उनको हम भी प्रोड्यूस करते हैं ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये देखें सारी डॉटेड में रिप्रोड्यूस की गई है जस्ट टू स्टडी द फोकस, बिकॉज फोकस इज ऑलवेज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर इनको जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो एक पॉइंट डाइवर्जेंस का हमें मिलेगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, दैट इज दिस पॉइंट एफ, इसको हम इसका प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे कन्वेक्स मिरर का। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, दिस इज इमेजिनरी, दैट्स वाई हम कहते हैं कि कन्वेक्स मिरर, क्योंकि हमने इमेजिन किया इसको रिप्रोड्यूस कर लाइन को, दैट्स वाई हम बोलते हैं कि कन्वेक्स मिरर से जो है वो वर्चुअल इमेज बनता है। इन्वर्टेड होगा आपके पास जो है इरेक्ट होता है, और वर्चुअल मतलब इन्वर्टेड उलट होता है। और कनकेव के केस में आपके पास रियल फोकस होता है, रियल इमेज बनता है आपके पास, और इसमें आपके पास वर्चुअल बनता है कन्वेक्स। तो ये इसी वजह से कन्वेक्स के जो फोकस है उसको हम बोलते हैं आपके पास वर्चुअल फोकस, और कनकेव के फोकस को हम बोलते हैं रियल फोकस। तो ये यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ इस पैराग्राफ में, ये फर्स्ट जो लाइन्स हैं ये आपके रियल फोकस को रिप्रेजेंट करती हैं, और दीज लाइन्स रिप्रेजेंट योर वर्चुअल फोकस। नेक्स्ट आपके पास क्लास आती है टर्म फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द फोकस पॉइंट प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर टू इट्स सेंट्रल पॉइंट, यानी कि ये सेंटर जो आपका है मिरर का, इसके सेंटर से लेकर इसके फोकस पॉइंट के बिटवीन जहां मैं पॉइंट कर रही हूँ, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। दोनों के केस में है, यहाँ पे जो इमेजिनरी फोकस है हमारा वर्चुअल, इससे लेकर यहाँ तक जो सेंट्रल पोर्शन पे आपके पास डिस्टेंस है, दिस इज नोन एज फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो आपका ये फोकल पॉइंट होगा, आपका डिस्टेंस बिटवीन योर फोकस आइदर इट इज रियल और वर्चुअल, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ द मिरर। ये लास्ट टर्म थी जो हमने डिस्कस की अबाउट द लेंसेज, एंड आपका फोकल लेंथ, क्योंकि आपकी रेडियाई का हाफ होता है, जो रेडियस आपके पूरे स्फीयर का रेडियस होता है, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ दैट स्फीयर, ये बिल्कुल हाफ में उसके आता है, इसलिए फॉर्मूला ऑफ द फोकस लेंथ फोकल लेंथ होता है जो इट इज आर बाय टू, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय टू। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से हम इसका जब हाफ लेते हैं उसका, रेडियाई का जब भी हाफ लेंगे, इट विल बिकम फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या है हमारे कनकेव और कन्वेक्स मिरर की, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके एग्जाम में आ सकती है। एक तो हमने देखा कि फोकस जो है कन्वेक्स में लाइज बिहाइंड द मिरर, आप देखें कि सामने रिफ्लेक्ट हुई रेज, लेकिन फोकस जो है वो कहाँ जाकर आपका बना, बिहाइंड, जो हमने रिप्रोड्यूस किया। और कनकेव के केस में क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि इसका फोकस जो है कैरेक्टरिस्टिक्स
बिल्कुल फ्रंट ऑफ मिरर पे बनता है, उसके बिल्कुल सामने बनता है, और आपका जो फोकस होता है कन्वेक्स का वो वर्चुअल होता है, वो इमेजिनरी होता है, हमने खुद इमेजिन किया होता है रिप्रोड्यूस करके रिफ्लेक्टिंग रेज को, दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि फोकस इज वर्चुअल। तो उसका फोकस जो है वो वर्चुअल होता है हमारे पास, और कनकेव के केस में क्या होता है कि इसका फोकस रियल होता है, बिल्कुल फ्रंट पे आपके मिरर के बनता है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो कन्वर्ज करती है रेज, कनकेव के केस में कन्वर्जेंस होती है, और आपके कन्वेक्स के केस में जो है वो डाइवर्जेंस होती है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स बिल्कुल लाइक प्लेन सरफेस, जैसे हमने फर्स्ट अपने टॉपिक में डिस्कस किया था, हमारी प्लेन सरफेस जो लॉज फॉलो करती है, स्फेरिकल मिरर की रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस भी एग्जैक्टली वही दोनों लॉ को फॉलो करते हैं। फर्स्ट लॉ जो उसका था, आपके प्लेन सर्फेस में ऑल रेज दैट इज इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। तो स्फेरिकल के केस में भी स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सर्फेस भी बिल्कुल यही लॉ फॉलो करती है आपके रिफ्लेक्शन का, कि उसकी तीनों जो है नॉर्मल इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वो एक ही प्लेन में लाई करती हैं, क्योंकि ये बेसिक जो है वो आपकी कंडीशन है रिफ्लेक्शन की। और सेकंड जो लॉ था उसका कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये भी उसी लॉ को बिल्कुल फॉलो करती हैं आपकी कर्व सर्फेसिस भी, जस्ट लाइक अ प्लेन कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इनके केस में। अब लास्ट में हमने एक एक्टिविटी देखनी है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्फेरिकल मिरर से कैसे होती है। लेट्स सपोज हम कोई कन्वेक्स सरफेस लेते हैं एज अ मिरर, आपके पास जो वेल पॉलिश स्पून होते हैं उसकी जो बल्जिंग आउटसाइड ये देखिए यहाँ लिखा भी है कि यूजिंग द आउटसाइड ऑफ द स्पून कन्वेक्स सरफेस होती है बल्जिंग आउटवर्ड, उसको उसके सामने आपने उसे बिल्कुल सीधा पकड़ना है, उसके सामने एक पेंसिल की टिप को होल्ड करना है और देखना है कि आपकी पेंसिल का जो इमेज है वो मिरर के अंदर कैसा नजर आ रहा है। तो आप यहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चंस हैं आपको दिए हुए कि इमेज इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, स्मॉल है या कैसा होगा। तो क्लास जो आपकी कन्वेक्स की प्रॉपर्टीज हैं स्पून में भी वही सारी आपको फील होंगी उसकी बल्जिंग आउटसाइड जो साइड है उसमें, तो रिजल्ट क्या होगा, ऑब्वियसली इमेज इरेक्ट होगा और इन्वर्टेड आपके पास होगा, और साइज ऑफ द इमेज आपके वर्चुअल इमेज की क्रिएट करता है, और साइज ऑफ द इमेज जो है हमेशा कन्वेक्स में वो स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इसी तरह वर्चुअल और इरेक्ट बिल्कुल इन्वर्टेड और सीधा जो इमेज है वो आपका फॉर्म होगा बाय द कन्वेक्स मिरर। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी थी शो करने के लिए कि कन्वेक्स जो है वो किस तरह से इमेज शो करती है। आई होप आपको लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।